हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप फेसबुक पर अपनी स्टोरी को हाइड कर सकते हैं किसी से भी, यानी कि आप स्टोरी तो लगाना चाहते हैं लेकिन किसी स्पेशल पर्सन को या फिर किसी को जिनको आप जानते हैं या फिर कोई ऐसी स्टोरी आपने लगा दी जो चाहते हैं कि आपकी घर वाली या कोई और ना देखे, जो कि आपकी फ्रेंड है या आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका दोस्त है, जो उसको ना देखे, तो आप उनसे अपनी फेसबुक की स्टोरी को हाइड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर नए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सकें। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप क्या करना होगा, सबसे पहले फेसबुक में चले जाना है। फेसबुक में जाने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है, आपको स्टोरी पर क्लिक करना है, यानी कि स्टोरी लगानी है स्टोरी पे। यहाँ पे आपने स्टोरी पर क्लिक कर लिया। अब आप चाहते हो कि कौन सी फ़ोटो लगाना चाहते हो, जैसे मैंने ये फ़ोटो चूज कर लेता हूँ, ये फ़ोटो लगाना चाहता हूँ। जैसे मैं इस फोटो पर क्लिक करता हूँ तो नीचे और ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। नीचे दो ऑप्शन देखो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक तो सेव का, यानी कि अगर इस फोटो को आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, और एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे प्राइवेसी का। तो आपको क्या करना है, इधर यहाँ पे सॉन्ग लगाने के ऑप्शन आ रहे हैं काफ़ी सारे, यहाँ सॉन्ग लगा सकते हो आप, और इधर भी ऑप्शन आ रहा है ड्रॉ या कुछ लिखना चाहते हो म्यूजिक लगा सकते हो यहाँ से ऐसे करके, यानी कि काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, सब क्लिक कर देना है प्राइवेसी पे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स का हाइड स्टोरी फ्रॉम कस्टम, और नीचे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम के अकाउंट को इसको जोड़ रखे हो, यानी कि फेसबुक से इंस्टाग्राम के अकाउंट को जोड़ रखा है, तो आप इसको यहाँ से चालू करके ये स्टोरी डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी लगा सकते हो। इसकी वीडियो मैंने पहले बना दी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करना, सिंपल सा जैसे आप स्टोरी हाइड करना चाहते हो तो आपको हाइड स्टोरी फ्रॉम इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आ जाता है कि आप किस किस से स्टोरी को हाइड करना चाहते हो। देखो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो किसी का नाम, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ, या फिर आपके पास यहाँ पे नीचे आ गए हैं लोग जी। अगर आप इनमें से किसी को ऐड करना चाहते हो अपनी स्टोरी को तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ मैं सर्च कर देता हूँ, जिससे किसी को जैसे मैंने सर्च कर लिया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया पंडित विवेक शुक्ला। अब मैं इसको क्या करना, मेरे को यहाँ पे क्लिक कर देना, ये जो बॉक्स आ रहा है इस पर क्लिक करने के बाद बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करते हो वापस हाइड स्टोरी फ्रॉम, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पंडित विवेक शुक्ला, यानी कि अब इसको स्टोरी नहीं दिखाई देगी, तो ये अपडेट हो गया यहाँ से अपडेट। अब अगर आप ये स्टोरी लगाते हो तो ये पंडित विवेक शुक्ला को दिखाई नहीं देगी। तो गाइस जी थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सके। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पर्सनली वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अगर आपने स्टोरी ऐड कर ली, और अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसका लिए भी आप कमेंट कर देना, जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे मैं उस पर वीडियो बना दूँ। तो गाइस मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।